बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी बुक का सेकंड एसे द एक्लिप्स पढ़ेंगे। और इस ये आपकी बुक जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज में डिवाइडेड है, द एक्लिप्स और इसके बाद वाला जो एसे है, दोनों जो हैं ये डिस्क्रिप्टिव एसेज हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे कि मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, आपको पता होना चाहिए कि जो आप एसेज पढ़ रहे हैं इनमें इनकी क्या खसूसियत है, इन्हें क्यों डिस्क्रिप्टिव एसेज कहा जाता है। तो फिर उससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इन एसेज में है क्या चीज़ इन डिटेल जो कुछ यहाँ पे आपको पढ़नी है और जिसके ऊपर आपने अपना फोकस रखना है। एक्लिप्स का मीनिंग तो वैसे आपको पता होगा, पिछले दिनों सोलर एक्लिप्स हुआ है, पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा उसकी बातें भी होती रही हैं। सूरज ग्रहण का लगना, ये एक इवेंट हुआ था जिसको के वर्जीनिया वुल्फ डिस्क्राइब कर रही है इसमें। अब डिस्क्रिप्टिव एसेज हैं क्या, इसकी डेफिनेशन को ज़रा गौर से सुने, लिख भी लें पास, इसको याद भी कर लें, क्योंकि ये जो आपके अभी ये वाला एसे जो आप पढ़ेंगे और इसके बाद वाला, दोनों जो हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे होंगे। और दोनों, अगर दोनों में से कोई भी आ जाता है तो उसमें आप बताएंगे कि ये कौन से वाले एसेज हैं, क्योंकि उससे अगले जो है नरेटिव एसेज हैं, उससे नेक्स्ट जो होंगे वो करेक्टर एसेज, इस तरह से आगे आगे चलते जाएंगे। अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता क्या है कि इसमें चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है डिटेल से। द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन सच अ वे दैट अ पिक्चर इज़ फॉर्म इन द रीडर्स माइंड। इतनी डिटेल से उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि उसकी एक तस्वीर आपके जहन में बन जाती है। रीडर हैं आप पढ़ने वाले। कैप्चरिंग एन इवेंट थ्रू डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन्वॉल्व्स पेइंग क्लोज अटेंशन टू द डिटेल्स बाई यूजिंग ऑल ऑफ योर फाइव सेंसेस। अब जब जो राइटर लिख रहा होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, तो उसका क्या होता है कि वो जो सीन कैप्चर करे जिसके बारे में कि वो लिखने जा रहा है, उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स वो दे, और वो डिटेल्स कौन सी हों जो कि आपकी फाइव सेंसेस को, फाइव सेंसेस आपकी कौन सी है, आपकी साइट की है, आपकी टच की है, आपकी टेस्ट की है, आपकी साउंड की, हेयरिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको वो अपील करी हों और आपके जहन में उस चीज़ की एक तस्वीर बन जाए। असल मकसद क्या है, टू पेंट अ पिक्चर, और इसमें इट गिव्स यू अ वेरी क्लियर एंड विविड पिक्चर ऑफ दैट इंसिडेंट। जैसा कि इसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी ऑथरेस है, इसने कितने अच्छे तरीके से डिटेल से सारी जो उसने बताई हैं, डिस्क्रिप्शंस दी हैं, और उसके बाद उसने एक विविड पिक्चर जो है वो आपके सामने पेश कर दी कि किस तरह से सूरज ग्रहण हुआ, लोगों को का क्या रिएक्शन था, किस तरह से उन्होंने इसको देखा, और क्या क्या चेंजेस आई इसके होने के वक्त पे। सो ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से आपको बताएगी। थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं अबाउट वर्जीनिया वुल्फ, जो कि ऑथरेस हैं इसकी, उनके लाइफ के बारे में, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन लिखने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इंग्लिश नॉवलिस्ट, क्रिटिक एंड एसेस्ट वॉज द डॉटर ऑफ सर लेस्ली स्टीफन एंड एमिनेंट विक्टोरियन क्रिटिक। क्रिटिक होता है नकाद। इसके फादर जो थे वो भी एक बहुत ही एमिनेंट मीन्स फेमस क्रिटिक थे अपने ज़माने के। हु एजुकेटेड हर एट होम, घर पे उन्होंने इसको तालीम दी, और ये खुद क्या थी, इंग्लिश नॉवलिस्ट, ये नॉवल निगार थी, क्रिटिक थी, नकाद भी थी, एसेस्ट एसेज भी लिखती थी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है और लिखनी भी है अपने इंट्रोडक्शन में। तालीम उसके फादर ने इसको घर पे दी। शी बिगैन हर लिटरेरी करियर एज अ क्रिटिक फॉर द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट इन 1905 में लिटरेरी सप्लीमेंट को, जो इस ज़माने का को रसाला वगैरह था, उसमें वो अपने जो मजामीन थे वो लिखती थी। इन 1912 शी मैरिड लेनार्ड सिडनी, जो कि प्रिंटर था, पब्लिशर था, पॉलिटिकल वर्कर था, उससे उसने शादी की। और उसके बाद उनका घर जो था वो एक, आप समझ लें कि अमाजगा था। इन्होंने एक ग्रुप बनाया, ब्लूम्सबरी ग्रुप, और बहुत सारे जो उस ज़माने के बड़े बड़े राइटर्स थे जिनमें हक्सले है, रसल है, स्ट्रैशे, ये सारे लोग आते थे वहाँ, इकट्ठे होते थे आपस में, इसके ऊपर अदब के मामलात पे जो है गुफ्तगू करते थे, और इसने काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो उस दौर में किया है। पेज 172 पे आप आ जाएँ, कुछ मैंने एक दो पैराग्राफ बीच में छोड़े हैं क्योंकि वो चीज़ें आपसे रिलेटेड नहीं हैं। अनदर आस्पेक्ट ऑफ हर टैलेंट वॉज शोन बाय हर बायोग्राफी ऑफ द आर्टिस्ट एंड क्रिटिक रॉजर फ्राई। शी कंटिन्यू टू राइट बुक रिव्यूज़
फॉर द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट अंडर 41 व्हेन शी ड्राउंड हरसेल्फ इन फाइनल कोलैप्स ऑफ नर्वस सिस्टम टू फ्रेजाइल टू कोप विद हर पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑन द मॉन्स्ट्रस एग्नी ऑफ द वर्ल्ड अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. जंगे अजीम दो, उसमें जो हालात थे वो कुछ उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स थे. तो ये सारे काम अपने जो वो अदबी जो वो लिख रही थी, सारा कुछ कर रही थी, इन सब चीज़ों के बावजूद वो उसके जो असाब थे वो इतने कमज़ोर थे कि वो दुनिया के हालात से और अपनी मुसीबतों से मुकाबला ना कर सके. और आखिरकार उसने अपने आप को डूब के उसने खुदकुशी कर ली. लास्ट पैराग्राफ पे आ जाए. Virginia Woolf possessed brilliant, imaginative, creative intelligence conveyed to the reader in novels, stories, and essays of extraordinary sensibility to the beautiful in nature and art. The eclipse is characterized by qualities and attitudes generally found in her essays. Virginia Woolf जो है उसके अंदर बहुत एक जो काबिलियत किस चीज़ की थी, imaginative creativity. क्रिएटिविटी होते तख्लीक करना, लिखना, इमेजिनेटिव तस्वराती, अपने तस्वर में वो चीज़ों को सोच के उनके बारे में बहुत कुछ लिखती थी. और इसके अलावा उसका क्या था कि वो इंटेलिजेंस थी उसकी, जो है जहन, उसकी जो जहानत थी वो भी उन चीज़ों में आपको वो रिफ़्लेक्ट करती हुई नज़र आएगी उसके एसेस में, उसकी राइटिंग्स में. और वो ज़्यादातर किन चीज़ों के बारे में लिखती, एक्स्ट्राऑर्डनरी जो सेंसिबिलिटीज हैं अबाउट ब्यूटीफुल इन नेचर एंड आर्ट, जो कुदरत के खूबसूरत नज़ारे हैं उनके बारे में, जो आर्ट के खूबसूरत मज़ार हैं, चीज़ें बनी हुई हैं उनके बारे में. और वो कहते हैं कि ये सारी उसकी जो क्वालिटीज़ हैं ये आपको कहाँ मिलेंगी आज उसके, ये जो आप ऐसे पढ़ने जा रहे हैं द एक्लिप्स उसमें भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसके वर्जीनिया वुल्फ के बारे में कि उसको वो कहती थी कि जो प्रोज़ है ये किसी भी सूरत पोइट्री से कम नहीं है. तो उसने अपनी जो वो प्रोज़ लिखती थी उसमें भी आपको पोइट्री का टच मिलेगा, यानी वो बहुत खूबसूरत प्रोज़ लिखने में माहिर भी थी और उसकी ख्वाहिश भी होती थी कि वो उसको अच्छे खूबसूरत अंदाज में लिखे. हम लोग स्टार्ट करेंगे द एक्लिप्स, जिसमें कि वो एक सोलर एक्लिप्स का, सूरज ग्रहण का जो वाक्या है उस इंसिडेंट को वो बड़ी डिटेल से आपको बताएगी कि किस तरह से वो वाक्या हुआ, क्या क्या कुछ लोगों ने इसमें ऑब्ज़र्व किया, खुद अपने आप अपनी वो उसकी एक किस्म की कमेंट्री है इसमें सारी. नेव स्टार्ट करते हैं हम आप कैसे. नेवर वॉज देयर अ स्ट्रेंजर पर्पस देन दैट विच ब्रॉट अस टूगेदर दैट जून नाइट इन ह्यूस्टन रेलवे स्टेशन. कहती है कभी भी लोग जो हैं वो इतने अजीबो गरीब मकसद के लिए इकट्ठे नहीं होते थे, जिसकी वजह से कि आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हुए थे. कहाँ पर? ह्यूस्टन रेलवे स्टेशन. ये रेलवे स्टेशन का नाम है, ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि लोग जो हैं वो कहाँ पे गैदर हुए हुए थे, वहाँ पे किस तरह से वो गए वहाँ पर उस जगह पर जहाँ पे उन्होंने एक्लिप्स देखना था. रेलवे स्टेशन पे गए, ट्रेन चल रही थी, ट्रेन में बैठे और फिर वहाँ जाके उतरे जहाँ पर के एक्लिप्स होना था. वी वर कम टू सी द डॉन. डॉन अब क्या है आप लोगों को पता है कि अलल सुबह का जो वक्त होता है. तो वो कहते हैं कि हम लोग सारे जो हैं वो इकट्ठे हुए हुए थे किस लिए वहाँ पर, टू सी द डॉन. हम देखना चाह रहे थे कि जो सुबह का टाइम, जिस वक्त अभी सूरज तलू नहीं हुआ हुआ होता, यानी सूरज तलू होने से पहले का जो टाइम है उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसको देखने के लिए हम इकट्ठे हुए थे. ट्रेन्स लाइक आवर्स वर स्टार्टिंग ऑल ओवर इंग्लैंड एट दैट वेरी मोमेंट टू सी द डॉन. जैसे कि हमारी ट्रेन चलनी थी, इसी तरह से पूरे इंग्लैंड में उस दिन ख़ास तौर पर ट्रेन जो हैं वो चलाई गई ताकि लोग जो हैं ये वाला वक्त जो है उसको देख सकें. All noses were pointing north. All noses were pointing north means कि तमाम लोग जो थे उनकी direction क्या थी, किस समत रवाना हो रहे थे north की तरफ, north का वो इलाका जहाँ पर के सूरज ग्रहण जो है वो इन लोगों को इन्होंने observe करना था, देखना था. When for a moment we halted in the depths of the country, जब हम कुछ लम्हों के लिए रुके
कंट्री मीन्स जो इनका देही इलाका था वहाँ पर, देयर वर द पेल येलो लाइट्स ऑफ मोटर कार्स आल्सो पॉइंटिंग नॉर्थ। तो इन लोगों ने देखा कि सिर्फ यही नहीं कि ट्रेनें चल रही हैं, बल्कि जर्द रंग की गाड़ियाँ हमें, जर्द रंग की लाइट्स नज़र आईं, रोशनियाँ नज़र आईं, जो कि किस चीज़ की थी, गाड़ियों की थी। लोग अपनी प्राइवेट जो गाड़ियाँ थी उन व्हीकल्स के ऊपर भी वो जा रहे थे, और डायरेक्शन फिर सबकी क्या थी, पॉइंटिंग नॉर्थ। किस तरफ को जा रहे थे, नॉर्थ की तरफ। देयर वॉज नो स्लीप नो फिक्सिटी इन इंग्लैंड दैट नाइट। ये लाइन अंडरलाइन कर लेंगे, आप लोगों ने इसको याद रखना है। उस रात वो कहते हैं इंग्लैंड में ना कोई फिक्सिटी थी, मीन फिक्सिटी मीन्स के जैसे रात जो होती है आपको पता है कि उस वक्त बिल्कुल खामोशी हो जाती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती, और बिल्कुल एक लोग जो हैं वो सो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि उस रात सुकून और नींद, ये दोनों चीज़ें इंग्लैंड में नहीं थी। ऑल वर ऑन द रोड, सब लोग जो थे वो सड़कों पर थे। ऑल वर ट्रेवलिंग नॉर्थ, सब नॉर्थ की तरफ को सफ़र कर रहे थे। ऑल वर थिंकिंग ऑफ द डॉन, सब जो हैं वो डॉन के बारे में सोच रहे थे। अब ये डॉन याद रखना है, स्पेलिंग भी याद रखें, कोई और डॉन ना इसको समझ लीजिएगा। ये क्या वक्त है, सुबह साधक का वक्त, जबकि अभी सूर्य तुरू नहीं होता। एज द नाइट वोर ऑन, जो जो रात गुजरती गई, द स्काई विच वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ सो मैनी मिलियन थाट्स एज्यूम्ड ग्रेटर सब्सटेंस एंड प्रोमिनेंस देन यूजल। अब आसमान जो था वो बहुत सारे लोगों की सोचों का महवर था, और ज़ाहिर है जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोच होते हैं उसकी अहमियत भी बढ़ जाती है, तो लिहाजा उसको एक ज़्यादा प्रोमिनेंट किस्म की जो अहमियत थी वो उस वक्त उसको हासिल थी, अहम नुमायाँ वो था सबकी सोचों में। द कॉन्शियसनेस ऑफ वाइटिश सॉफ्ट कैनोपी अबव अस इंक्रीज्ड इन वेट एज द आवर्स पास्ट। जूं जूं वक्त गुजरता गया तो ये जो सफ़ेद दूधिया साहिबान सा था, यानी अभी क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं आई थी तो वो जो डॉन का टाइम होता है इसमें अभी उसको वो दूधिया रंगत जो है उसमें ज़्यादा नज़र आई थी। वो कहते हैं इसका ये हमारे सर के ऊपर जो छत थी यानी आसमान जो था इसकी बड़ी एक अहमियत होती गई, बढ़ता गया इसका इसके होने का एहसास जो है वो हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, यूजुअल मतलब आम दिनों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा। When in chill early morning, we were turned out on a Yorkshire roadside. जब हम एक ठंडी सुबह को यॉर्कशायर की रोड के ऊपर चल रहे थे, our senses had oriented themselves differently from usual. आम दिनों की निस्बत हमारी जो senses थी, हमारे जो एहसास थे वो बिल्कुल different हो गए थे। एक गैर मामूली तौर पे हमारी सोचों का जो जाविया था वो बदल चुका हुआ था। वी वर नो लॉन्गर इन द सेम रिलेशन टू पीपल हाउसेज एंड ट्रीज, वी वर रिलेटेड टू द होल वर्ल्ड। अब जैसे हम अपने घरों में होते हैं तो उस वक्त हमारे और तरह की सोच होती है, लेकिन जब वो बाहर थे उस वक्त, तो वो कहते हैं कि उस वक्त क्या था, हमारे जो रिलेशनशिप था वो हर दुनिया की हर एक चीज़ से एक डिफरेंट किस्म का एक बॉन्ड जो है बन गई हुई थी। अब हम वो आम इंसान नहीं थे जो घरों में बेड्स के ऊपर लेटे हुए होते हैं और हम कहते हैं अभी सुबह हो जाएगी और ये नहीं, बल्कि हम कुछ और चीज़ों को सोच रहे थे। वी हैड कम नॉट टू लॉज इन द बेडरूम ऑफ एन इन, इन यहाँ पे सराय, किसी होटल या सराय के, ये नहीं था हमारा मकसद कि वहाँ जाके हम वहाँ के बेडरूम में जाके आराम करेंगे। वी वर कम फॉर अ फ्यू आवर्स ऑफ डिसेंबल्ड आवर्स ऑफ डिसएम्बॉडेड इंटरकोर्स विद द स्काई। हम आए थे कि हम कुछ लम्हों के लिए बहुत एक अपना जो तल्लक है हमारा किसके साथ होगा, आसमान के साथ होगा, और वो कोई हमारे मतलब बीच में और कोई चीज़ नहीं होगी, एक डायरेक्ट हमारा लिंक होगा विद द स्काई, और हम उसके साथ इंटरप्रेट करेंगे, उसको समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि वहाँ पर जो चीज़ें जो चेंजेस आ रही होंगी। एवरीथिंग वॉज वेरी पेल, द रिवर वॉज पेल एंड द फील्ड्स brimming with grasses and tasseled flowers which should have been red and had no color in them but lay there whispering and waving round colorless farmhouses. अब क्योंकि चीज़ों के रंग किसकी वजह से हैं, सूरज की रोशनी की वजह से, सूरज अभी निकला नहीं था, तो वो कहते हैं कि हर चीज़ जो थी वो जर्द थी, दरिया, खेत, घास, फूल जो वहाँ पर उगे हुए थे
किसी भी चीज़ का कोई भी रंग नहीं था। इवन जो फार्म हाउसेस थे वहाँ पर बने हुए, जो घर बने हुए थे, वो भी कलरलेस थे, बेरंग थे। उनके भी अंदर कोई ऐसी हमें ये नहीं लग रहा था कि जैसे कि उनके अंदर ज़िंदगी है या कुछ। वो कहते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो खेत लहलहा रहे थे, वो भी यूँ लग रहा था कि जैसे उनसे कोई सरगोशी तो कर रहे होंगे, लहरा रहे होंगे, मूवमेंट कर रहे होंगे, लेकिन रंग उनका कोई नहीं है। Now the farmhouse door would open and out step to join the procession the farmer and his family in their Sunday clothes, neat, dark and silent as they were going uphill to church. Or sometimes women merely leant on the window sills of the upper rooms watching the procession pass with amused contempt. It appeared they have come such hundreds of miles and for what, they seemed to say in complete silence. कहते हैं वो जो फार्म हाउसेस थे उनमें से लोग निकले, कुछ लोग निकले, उन्होंने देखा कि ये जो प्रोसेशन ये जुलूस, लोग जो इकट्ठे होके वहाँ पे आगे को बढ़ रहे थे, वो भी उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। और कहते कि उनके भी बड़े साफ़ सुथरे लिबास थे और यूँ लग रहा था कि जैसे आपको पता है ना कि संडे जो है वो इन लोगों का, क्रिश्चियंस का, एक जैसे हम लोगों के लिए फ्राइडे की इंपॉर्टेंस है रिलीजियस हवाले से, तो उनकी संडे से है। तो वो कहते हैं कि यूँ जैसे संडे को चर्च जा रहे हो, इस तरह से वो भी इस प्रोसेशन को ज्वाइन कर लेंगे। और कुछ औरतें जो हैं वो अपने घरों की खिड़कियों में खड़े होके तो वो झुक झुक के देख रही थी, और वो अजीब उन्हें इन लोगों के ऊपर उन्हें हैरत का इजहार भी कर रही थी कि किस किस्म के लोग हैं, कि कई सौ मील का फासला तय करके ये किस लिए आए हैं यहाँ पे। यानी उनके नज़दीक ये जो इनका मकसद था जिसकी वजह से ये लोग आए हैं, कंटेम्प्ट वैसे नफ़रत के लिए यहाँ पे, मतलब ये कि वो हकारत से ये सोचेंगे कि कैसी, क्या इन लोगों का मकसद है, ये क्यों आए हैं, कितने ये बेवकूफ़ लोग हैं कि ये सिर्फ सूरज ग्रहण को देखने के लिए इतने हज़ारों मील का सफ़र करके यहाँ पे आ गए। लेकिन कहते हैं कि वो खामोशी में वहाँ पे खड़ी हुई हमें देख रही थी। वी हैड एन ऑड सेंस ऑफ कीपिंग एन अपॉइंटमेंट विद एन एक्टर ऑफ सच वास्ट प्रॉपर्टीज सॉरी प्रोपोर्शंस दैट ही वुड कम साइलेंटली एंड बी एवरीवेयर। वो कहते हैं कि हमारा क्या था कि हम बहुत खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। हमारे अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का एहसास था कि हम किसी बहुत बड़ी किसी हस्ती को मिलने जा रहे हैं, किसी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को मिलने जा रहे हैं, जिसका कि एक बहुत ही वसी और बड़ा सा उसका एक, यानी उसका एक इमेज है। जैसे आप यूँ समझ लें कि जैसे कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो, कोई बहुत बड़ा प्लेयर हो, उसको आप मिलने जा रहे हो, तो आपके अंदर वो एक एक्साइटमेंट और ये चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं हमारा वो था, वो वाली फीलिंग्स थी। और यूँ था कि जैसे यूँ लगता था कि जैसे वो जब आएगा, वुड कम साइलेंटली एंड बी एवरीवेयर। इसे कहते हैं ना कि वो आए बज में तो उसके बाद आए और छा गए। तो यानी वो जो करैक्टर था उसके बारे में भी हमारी यही सोच थी कि वो आएगा और आके यकदम वो छा जाएगा हर तरफ। और ये वाली हमारी जो है फीलिंग्स थी। मैं इसको यहीं पर स्टॉप करूँगी गर्ल्स, क्योंकि आज आप लोगों ने एक तो इंट्रोडक्शन तैयार करना है इस एसे का, जो कि आपको मैंने वर्जीनिया वुल्फ के बारे में जो पढ़ाया है वहाँ से आप लेंगे, और दूसरा इसका स्टार्ट जो हमने किया है इसको थोड़ा सा आपके सिर्फ आपको मैंने दो पैराग्राफ्स पढ़ाए हैं। आप इन दो पैराग्राफ्स में ये जो लाइंस हैं ना, देयर वाज नो फिक्सिटी नो स्लीप दैट नाइट, इंग्लैंड में उस रात को ना कोई सुकून था और ना ही लोग सोए हुए थे, इसको आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। फ़िलहाल इसको समझें, पढ़ें, इसको अंडरस्टैंड करें, और क्वेश्चन जो है वो बाकी बाद में दूंगी। फ़िलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लें। थैंक यू गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।